आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कही है। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं इसका भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा कि यहाँ कहीं मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने सभी बातें आरएसएस प्रमुख में एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है, इसलिए यहाँ सभी धर्म फले फूले हैं। भागवत ने अपने पूरे बयान में कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे श्रेष्ठता की मानसिकता छोड़नी होगी। एक बार हमने शासन किया, फिर से शासन करेंगे, इस भावना से उन्हें बाहर आना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हिंदुओं में आई नई आक्रामकता समाज में जागृति के कारण है, क्योंकि इस समाज को हजार वर्षों से अधिक से युद्ध करना पड़ा है। इस समाज को विदेशी आक्रांताओं, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ना पड़ा है। संघ इस उद्देश्य में उनका समर्थन करता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है और इन सबके कारण ही हिंदू समाज जागृत हुआ है। जिसके बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोहन भागवत होते कौन हैं जो मुस्लिमों को धर्म के पालन की अनुमति दें। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आरएसएस प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए, लेकिन इंसान को भी इंसान रहना चाहिए। इतना ही नहीं, सांसद संजय राउत ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत ने कहा कि देश में करीब 20 करोड़ से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, बार बार हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो फिर से देश का बंटवारा हो जाएगा। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। हम भी ये कहते हैं, ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे, तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया मोहन भागवत के इस बयान पर दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। भारत हमेशा सुरक्षित रहा है, भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है, ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। सर, ये आक्रमण करने वाले क्या बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग हैं जो आक्रमण करना चाहते हैं? तो क्या अमेरिका से आए हैं? बीजेपी आरएसएस आज का नेतृत्व कर रहा है। आज विवादित स्थितियां केवल अपने प्रदेश में नहीं, पर आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, 35 साल से खालिस्तान का नारा नहीं सुना था पंजाब में, अब खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये कहां देश घसीटा जा रहा है, ये सब क्यों उत्पन्न हो रही है बात? क्योंकि इसके बीज इन्होंने बोए हैं, अब इसकी फसल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में मोहन भागवत ने LGBTQ कम्युनिटी का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन कई बड़ी बातों में उनकी मुसलमानों पर कही गई इस बात पर अब जमकर सियासत हो रही है और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं तो ये बात बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है।